हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के विड्रॉल और डिपॉजिट के बारे में। तो दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आप एक कॉइन स्विच ऐप यूज़ करते हो तो बहुत बार डिपॉजिट और विड्रॉल का इशू आ जाता है, और हम जब मार्केट अप और डाउन पूरा होता है तो अगर कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि हमें फंड्स ऐड करना पड़ता है तो हम ऐड नहीं कर सकते उस सिचुएशन में। तो दोस्तों, हम कैसे अगर डिपॉजिट वहाँ पर उन्होंने बंद कर रखा है, UPI और NEFT वगैरह जो भी उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की हुई है सब कुछ अगर उन्होंने डिसेबल कर रखा है तो भी हम उनके अंदर फंड्स ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरा नाम होशियार जानी, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लाता रहता हूँ। अगर बात करें कि फंड्स हम एक्सचेंजेस के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं, तो दोस्तों हम P2P मेथड को यूज़ करेंगे। वो क्या होता है, पेयर टू पेयर या पर्सन टू पर्सन। तो दोस्तों, हम बाइनेंस या ज़ीरेक्स से हम पेमेंट को ऐड कर सकते हैं और किसी भी एक्सचेंज के अंदर उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा ऐड करने का, ट्रांसफ़र करने का, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमें जिस भी एक्सचेंज में डिपॉजिट चाहिए उसको हम सबसे पहले ओपन करेंगे। जैसे हम कॉइन स्विच कुबेर को ओपन करते हैं, वो इसके अंदर हम अगर बाई चांस इसमें डिसेबल हो रखा हो सभी UPI वगैरह NEFT, तो हम इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर जाके इसमें हमें बाइनेंस कॉइन हम डिपॉजिट करके देखेंगे। तो जैसे मैं बाइनेंस कॉइन इसमें ओपन करता हूँ, इस पर हमें टैप करना है। इसके बाद आपको इसमें ऊपर QR कोड का साइन दिखेगा। तो दोस्तों, ये यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल है डिपॉजिट की, हम यहाँ पे इस एड्रेस पे डिपॉजिट कर सकते हैं और किस अकाउंट से डिपॉजिट करेंगे। जैसे हम बाइनेंस एक्सचेंज से इसके अंदर डिपॉजिट करेंगे तो सबसे पहले हमें इसका कॉइन एड्रेस कॉपी कर लेना है। दोस्तों, जैसे हमने ये कॉपी कर लिया, इसके बाद हम चलते हैं बाइनेंस ऐप पर। तो यहाँ पर जाकर हमें विड्रॉल के अंदर जाना है। होम का साइन दिखेगा आपको साइड में। वॉलेट के अंदर आके आपको विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा। विड्रॉल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बाइनेंस कॉइन दिखेगा, BNB। आप इस पर टैप कर सकते हो या सर्च कर सकते हो ऊपर से। तो इसके बाद हम यहाँ पर एड्रेस कॉपी कर देंगे जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। तो इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मेमो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हमें मेमो ऐड करना होगा जो यहाँ से हम देख सकते हैं। इस पर टैप करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर मेमो पेस्ट कर देंगे और हम कितना BNB हमें उस एक्सचेंज के अंदर सेंड करना है, जिसे मैं मैक्सिमम कर देता हूँ, जितना भी है इसके अंदर मैं सारा सेंड कर रहा हूँ। कुछ ट्रांजेक्शन फीस लगेगी, बहुत कम, नेगलिजिबल। तो उसके बाद हम विड्रॉल कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं विड्रॉल पर क्लिक करता हूँ तो ये दोस्तों सब कुछ हम डिटेल चेक कर सकते हैं यहाँ से। एड्रेस हमारा सही है क्या, मेमो जो हमने टाइप किया था वो सही है इसमें, और ट्रांजेक्शन फीस वगैरह, अमाउंट वगैरह सारी डिटेल आपको दिख रही होगी। इसके बाद हमें यहाँ से कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद हमारे जीमेल अकाउंट पर और हमारे फ़ोन नंबर पर एक कोड जाएगा, OTP, उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये अवेटिंग अप्रूवल आ जाएगा, लगभग 10-15 मिनट या एक घंटे का भी टाइम लग सकता है, और हमारा जो भी अमाउंट था यहाँ से डिटेक्ट हो जाएगा और वहाँ पर उस एक्सचेंज के अंदर हमारा बैलेंस शो होने लग जाएगा। तो दोस्तों, हम अब कॉइन स्विच के अंदर जाके देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस आ गया नहीं आया। दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी 39 रुपीस थे, और जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा बैलेंस आपको शो हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे अब 987 रुपये दिख रहा होगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम किसी भी एक्सचेंज के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं अगर UPI या NEFT वगैरह डिसेबल हो जाए तो, और हम ऐसे मनी इसके अंदर ऐड करके हम ईजिली ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो आप कॉइन स्विच से स्टार्ट कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और बाइनेंस का भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम किसी भी एक्सचेंज में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाइनेंस या ज़ीरेक्स में ऐड करके इसी तरह से, और अपनी ट्रेडिंग नॉर्मली कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, अगर डिसेबल भी हो रखा है उन एक्सचेंजेस पे, तो भी आपका ये जो मेथड है वर्क कर जाएगा और आप आसानी से ट्रेडिंग कर सकेंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।